इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 19वां सवाल, पबजी का फुल फॉर्म क्या है? ए प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, बी प्लेयर अननोन बैटल ग्रुप, सी पार्टी अननोन बैटल ग्रुप या डी प्लेयर यूनाइटेड बैटल ग्राउंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे एक इंटरव्यू खास मुलाकात। सेंट्रल टीम ने किया मायागंज अस्पताल का निरीक्षण। भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या और कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को देखते हुए सेंट्रल की तरफ से भेजी गई टीम निरीक्षण के लिए मायागंज अस्पताल पहुंची। आईएएस दीपक मिश्रा की टीम में कई डॉक्टर भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचने पर कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने मौजूदा हालात से रूबरू कराया। अस्पताल में कोविड मरीज के क्रिटिकल दशा में उचित इलाज, ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा, विद्युत आपूर्ति के बाधा, जूनियर डॉक्टर का ड्यूटी पर नहीं आना, कोविड केयर सेंटर से लगातार वीडियो वायरल की शिकायत और कोरोना से लगातार मौत के मामले में सेंट्रल टीम ने कोविड प्रभारी से ऑन द स्पॉट पूछा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ही आईसीयू में है, लेकिन सेंट्रल टीम को लीड कर रहे आईएएस अधिकारी ने कहा ऑल इज वेल। इंतजाम किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, जो अंदर बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी है, किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रशासन रेडी है और हॉस्पिटल में भी काफ़ी बेड्स वगैरह हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई दिक्कत ना हो पेशेंट्स को और हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल मैनेजर वगैरह या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी सब रेडी हैं जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए। नवगछिया पुलिस मुख्यालय में पहली बार नवगछिया की नई एसपी ने पत्रकारों को किया संबोधित, कहा कोरोना से निपटना और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना पहली प्राथमिकता। नवगछिया की एसपी स्वपराजी मेश्राम ने नवगछिया पुलिस मुख्यालय में पहली बार स्थानीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से निपटना और अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकताओं में है, साथ ही यातायात पर उनकी विशेष नजर होगी। श्रीमती मेश्राम ने कहा कि नवगछिया पुलिस जिले में 2 मोबाइल पेट्रोलिंग द्वारा क्राइम के साथ साथ यातायात पर भी ध्यान रखी जाएगी, जिसमें 0 माइल नवगछिया से कटिहार के बॉर्डर तक पुलिस की एक टीम मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी तो दूसरी टीम टोल प्लाजा से लेकर भवानीपुर थाने तक सीमा पर पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा विक्रमशिला सेतु पर जाम की समस्या को देखते हुए बाइक से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और जाह्नवी चौक स्थित टीओपी पर भी एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहाँ पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाए जाने की योजना है। सुपराजी मेश्राम ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि नौगछिया में यातायात की समस्या एक बड़ी समस्या है, इसके लिए आसपास के जिलों की पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर निपटने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नौगछिया एसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए वे रणनीति के तहत काम करेंगे। विभिन्न थाने से कुख्यात और साथी अपराधियों की सूची मांगा गया है, जो फरार चल रहे हैं उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जेल से जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और अगर ऐसे अपराधियों की गतिविधि संदिग्ध हुई तो निश्चित रूप से उनके जमानत को स्थगित करवाने की प्रक्रिया पर भी पुलिस काम करेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना, इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो हाल ही में जिनके अरेस्ट वगैरह हुए हैं तो उनके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने की जो है वो कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो यातायात एक यहाँ का एक मेजर प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है, तो कोशिश रहेगी कि जो हमारे नेबरिंग जिले हैं इनसे समन्वय साध के जो है यातायात का बेहतर संधारण किया जा सके। इसके अलावा शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था संधारित करने की पूरी पूरी कोशिश है। इसके अलावा कोरोना का स्प्रेड काफी ज्यादा हो गया है जिले में, हम आम जनता से यही
अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, आवश्यकता होने पे ही घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, फेस मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको अच्छे से पालन करें ताकि कोरोना को हम कंट्रोल करें। गंगा नदी के जलस्तर में 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर की कमी। इस्माइलपुर बिंटोली के बीच पिछले 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर की कमी आने से जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने राहत की सांस फिला ली है। पिछले एक महीने से लगातार गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण विभिन्न स्तरों पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया था। दियारा के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी फैल गया था। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंटोली में 31.05 मीटर दर्ज किया गया है। किट से 5 लोगों की हुई जांच, एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव, 50 संदिग्ध का लिया गया सैंपल। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना जांच शुरू हो गया है। मंगलवार को रैपिड एंटीविजन किट से 5 संदिग्ध की जांच की गई, जिसमें एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त महिला नौगछिया शहर के प्रोफेसर कॉलोनी की है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि नौगछिया में 5 किट से मंगलवार को 5 संदिग्ध की जांच की गई, जिसमें एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 50 कोरोना संदिग्ध का सैंपल भी लिया गया है। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। सैंपल लिए गए लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के चयन से जुड़े हुए हैं। मास चेकिंग अभियान में 396 लोगों को लगाया गया जुर्माना। नौगछिया SP स्वपराजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले में गहन मास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने वाले 396 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 19,800 रुपए जुर्माना की राशि वसूल की गई है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। वाहन जांच अभियान के दौरान 18 वाहनों से कुल 17,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। मिथुन महुआ बने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। ऑल इंडिया फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने नौगछिया के लोक गायक अजय आनंद उर्फ मिथुन महुआ को प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। मनोनयन पत्र मिलते ही मिथुन महुआ ने कहा कि कलाकारों का कोई संगठन नहीं होने से अक्सर कलाकार ठगी के शिकार हो जाते हैं या फिर भाई भतीजावाद का शिकार होकर अपने करियर को गंवा बैठते हैं। कलाकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए बिहार में इस संस्था को मजबूत और सशक्त संगठन तैयार करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार प्रदेश कार्य करने की घोषणा की जाएगी और प्रत्येक राज्य में जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCOM, BSc, पॉलिटेक्निक, BTEC, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 88-73-97-36-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787-732505-2437 पर। ओई मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। PSC गोपालपुर की 2 ANM व डाटा ऑपरेटर सहित 5 कोरोना पॉजिटिव। पिछले दिनों गोपालपुर PSC में लिए गए सैंपल में से 2 ANM, 1 डाटा ऑपरेटर, PHED के एक अभियंता सहित 5 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मिली जानकारी के अनुसार अभी पटना से और का रिपोर्ट आना बाकी है। बताते चलें कि PSC गोपालपुर की दोनों ANM द्वारा प्रसव कार्य व स्वास्थ्य उपकेंद्र में टीकाकरण वगैरह का कार्य किया जाता था। ग्रामीणों के सहयोग से अंचलाधिकारी के द्वारा ब्रह्मोत्तर बांध के क्षतिग्रस्त बाग में मिट्टी भराई का काम प्रारंभ। ग्रामीणों के सहयोग से प्रखंड मुख्यालय गोपालपुर सहित 9 पंचायतों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल द्वारा ब्रह्मोत्तर बांध के क्षतिग्रस्त भाग में मिट्टी भराई का काम मंगलवार से शुरू किया गया है। बताते चलें कि DM प्रणव कुमार के निर्देश के बावजूद मनरेगा से ब्रह्मोत्तर बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में हाथ खड़ा कर देने के बाद भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सैदपुर निवासी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं की टीम ने ब्रह्मोत्तर बांध का निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर वरीय अधिकारी से मांग की थी। कटाव से विस्थापित हुए परिवार को दिलाया जाएगा हर संभव मदद। भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को जिलाध्यक्ष विनोद मंडल की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारी के साथ बाढ़
में हुए कटाव को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान गोपालपुर विधानसभा के तिनटेंगा दक्षिण, उसरैया, चापर दियारा, साधोपुर, मदरौनी, कोसकीपुर, इस्माइलपुर, कदवा दियारा, गोपालपुर प्रखंड के दर्जनों गांव सहित गंगा एवं कोसी नदी के कटाव से विस्थापित हुए लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुँचाया जाए की समीक्षा की गयी। नवगछिया, भाजपा नेता सह युवा व्यवसायी पर जानलेवा हमला के आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नवगछिया थाना क्षेत्र के वार्ड 21 में व्यवसायी अवधेश गुप्ता के पुत्र भाजपा नेता सह युवा व्यवसायी कुणाल गुप्ता पर जानलेवा हमला के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केस के तीन आरोपियों में से पुलिस ने मंगलवार को विकास भगत उर्फ पिंकू भगत और अशोक भगत को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा आरोपी बाबू विधान चंद्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मालूम हो कि कुणाल गुप्ता कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाया गया था और भागलपुर कोविड सेंटर से इलाज कराकर वापस लौटा था। बीते बुधवार को जब वह भगत मोहल्ला स्थित अपने गोदाम में सामान लेने के लिए गया था तो आरोपियों ने उसे कोरोना मरीज कहते हुए गाली गलौज भी की थी। भगाई जाने का विरोध करते हुए मारपीट की घटना हुई थी। इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा ने नौगछिया थाने का लिया चार्ज। कोरोना संक्रमण को हराकर वापस लौटे इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा ने मंगलवार को वापस ड्यूटी पर लौट गए हैं। मंगलवार को ही उन्होंने नई एसपी स्वप्ना जी मेसराम के कार्यालय पहुंचकर अपना योगदान देते हुए नौगछिया थाना अध्यक्ष का चार्ज लिया है। थाना अध्यक्ष का चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने नौगछिया शहर में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस टीम लगातार शहर में गतिविधि करते हुए जांच अभियान चलाते दिखे। मालूम हो कि नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा सहित कई पुलिस पदाधिकारी एक साथ कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद थाने को स्थानांतरित कर निर्माणाधीन पुलिस लाइन के भवन में संचालित किया जाने लगा था। एक देसी पिस्तौल व 8 गोली के साथ अपराधी गिरफ्तार। नदी थाना क्षेत्र के ढोरिया गांव से हथियार व गोली लेकर घूम रहे अपराधी को नदी थाना पुलिस ने छापेमारी कर हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी थाना क्षेत्र के ढोरिया निवासी शिव कुमार यादव है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 6 गोली और एक बिंडोरिया बरामद किया है। मनरेगा में काम की तलाश में जॉब कार्ड लेकर भटक रही महिला मजदूर। लॉकडाउन में खैरपुर कदवा पंचायत की मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलने के कारण उनकी हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। काम की तलाश में महिला मजदूर बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिले नियोजन कार्ड को लेकर पंचायत व अन्य जन प्रतिनिधियों के यहां भटक रही है, फिर भी उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को खैरपुर कदवा की राधा देवी, चमेली देवी, पुतली देवी व सानो देवी के साथ अन्य महिला मजदूरों ने अपना अपना नियोजन कार्ड लेकर जिला परिषद नंदनी सरकार के घर जा पहुंची और सभी ने नंदनी सरकार से मनरेगा में काम दिलवाने की मांग की है। वहीं नंदनी सरकार ने कहा कि मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के लिए जिला कार्यालय में आवेदन दिए गए हैं। वहां के सभी पदाधिकारी कोरोना संक्रमण को लेकर व्यस्त हैं, इस जिसके कारण काम करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। काम शुरू होते ही सबों को काम पर लगा दिया जाएगा। खरीक पीएससी एम्बुलेंस कर्मी समेत 8 कोरोना पॉजिटिव। खरीक में एक एम्बुलेंस कर्मी समेत 8 लोग मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खरीक पीएससी में कार्यरत संक्रमित डाटा ऑपरेटर की पत्नी, 26 वर्षीय पुत्री, 2 वर्षीय पुत्र 9 माह समेत खैरपुर पंचायत में 2 महिला और 1 पुरुष पीएससी ईएमटी 31 वर्षीय और खरीक बाजार की एक युवती 18 वर्षीय का रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आया है। भवनपुरा में कोसी नदी में देखा गया मगरमच्छ। कोसी नदी में भवनपुरा पुल के समीप मंगलवार को लोगों ने नदी में एक मगरमच्छ देखा, जिससे तैरकर नदी पार करने वाले तैराक और पशुपालकों में काफी दहशत है। कोसी में मगरमच्छ मिलने की सूचना पर मगरमच्छ देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण सौरभ सिंह और अन्य लोगों ने बताया कि आशंका है कि बाढ़ के कारण बाहर से बहकर आ गया है। ग्रामीणों में कोसी में मगरमच्छ होने की सूचना से लोगों में कौतूहल बना हुआ है। लक्ष्मीपुर गंगाधार में स्नान करने के दौरान किशोर का पैर फिसला, डूबने से गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर लोहा पुल के पास गंगाधार में डूबने से कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के डुम्बा निवासी नरेश मंडल के 16 वर्षीय पुत्र अजय कुमार मंडल की जान चली गई। युवक का शव स्थानीय गोताखोर की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। शव की बरामद होने के बाद गोपालपुर पुलिस द्वारा सबको पोस्टमार्टम हेतु नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक अजय का ननिहाल लक्ष्मीपुर में है, वह अपने मामा नंदू मंडल के घर लक्ष्मीपुर आया था। तो इनकी पूरी टीम को फोन किया तो ये लोग आए और तत्परता से 1 से 1.5 घंटे में सबको खोज के निकाल लिया। सर, इनके टीम में कुछ कमियां हैं।
सड़क दुर्घटना में युवक घायल। विक्रमशिला पुल के पोल संख्या 86 पर मंगलवार की शाम को भागलपुर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार का बाइक से गिरने से घायल हो गया। घायल युवक परबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल के पुत्र राहुल कुमार जायसवाल है। दुर्घटना के बाद परबत्ता पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहां घायल का इलाज कर वापस घर लाया गया। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।